अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो बाय वसीम हमदानी। तो यार, पाकिस्तान की तमाम मोबाइल मार्केट्स में हलचल मचाने के लिए पोको का एक और स्मार्टफोन पोको M3 पाकिस्तान में लॉन्च होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में स्मार्टफोन की, यानी कि पोको M3 की जो स्पेसिफिकेशंस हैं और स्मार्टफोन की प्राइस क्या होगी और कब तक ये स्मार्टफोन पाकिस्तान में लॉन्च हो जाएगा, तो सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखते रहना और वीडियो को आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना। तो सबसे पहले अगर बात की जाए स्मार्टफोन की डिस्प्ले की, तो 6.53 इंच का एक IPS डिस्प्ले होगा और फुल HD+ क्वालिटी रेजोल्यूशन इस स्मार्टफोन में आपको मिल जाएंगी। अब ये कंफर्म नहीं कि स्मार्टफोन में आपको रिफ्रेश रेट कितने का मिलेगा, लेकिन जैसे कि पोको का स्मार्टफोन है तो कम से कम 90Hz का डिस्प्ले रिफ्रेश रेट इस स्मार्टफोन में आपको मिल ही जाएगा। इसके बाद अगर कैमरा वाइज स्मार्टफोन को देखा जाए तो ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा। मेन सेंसर 48MP का होगा, सेकेंडरी सेंसर 8MP का होगा और ये अल्ट्रा वाइड सेंसर होगा और लास्ट सेंसर आपको 5MP का मिल जाएगा। LED फ्लैश लाइट का सेटअप भी होगा। और उसके बाद अगर बात की जाए फ्रंट की, तो 8MP की सेल्फी फ्रंट में नोज डिस्प्ले में आपको देखने को मिल जाएगी। तो अगर ऑपरेटिंग के सिस्टम की बात करें तो 10OS का एंड्रॉयड वर्जन होगा और UI 11 की UI स्मार्टफोन में आपको मिल जाएगी। जी हाँ। और उसके बाद अगर बात की जाए स्मार्टफोन में प्रोसेसर की, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ऑक्टाकोर का CPU होगा और चिपसेट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 की चिपसेट स्मार्टफोन में आपको मिल जाएगी। मतलब कि परफॉर्मेंस वाइज ये स्मार्टफोन तबाही होगा। गेमिंग के लिए सभी और ओवरऑल काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस ये प्रोसेसर आपको देगा। तो यार, मुझे तो लगता है कि ये स्मार्टफोन वाकई में पाकिस्तानी मोबाइल मार्केट्स में हलचल मचाएगा। क्या आपको भी ऐसा लगता है, आपने मुझे कमेंट करके लाजमी से बता देना है। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक, लाइक लाजमी से कर लें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर आपने लाजमी से प्रेस कर लेना है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं स्मार्टफोन की इंटरनल स्टोरेज और रैम की। तो दो वेरिएंट्स होंगे, 4GB और 6GB वाले वेरिएंट्स, तो दो वेरिएंट्स होंगे। और आई थिंक कि इंटरनल स्टोरेज सेम ही रहने वाली है, 256GB की इंटरनल स्टोरेज। तो उसके बाद अगर बात की जाए स्मार्टफोन में बैटरी की, तो मेरे प्यारे भाई, इस स्मार्टफोन में आपको 6000mAh की एक बड़ी बैटरी मिलेगी और 22.5W की फास्ट चार्जिंग की स्पोर्ट भी इस स्मार्टफोन में आपको मिल जाएगी। तो यह चीज़ काफ़ी अच्छी कि यहाँ पर आपको 6000mAh की बैटरी भी मिल जाएगी। तो बैटरी वाइज ये स्मार्टफोन काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी तगड़ा है। और इसके अलावा साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर होगा। और लास्ट में अगर बात की जाए स्मार्टफोन की प्राइस और लॉन्च डेट की, तो 30,000 के राउंड अबाउट इस स्मार्टफोन को पाकिस्तान में ऑफिशियली लॉन्च किया जाएगा। और अगर बात की जाए स्मार्टफोन की लॉन्च डेट की, तो इसी मंथ के यानी कि नवंबर के लास्ट में हो सकता है कि ये स्मार्टफोन पाकिस्तान में लॉन्च हो जाए। अगर ना लॉन्च हुआ इस मंथ में, तो नेक्स्ट मंथ में ये स्मार्टफोन पाकिस्तान में लाजमी से लॉन्च हो जाएगा। तो आप इस स्मार्टफोन का वेट करेंगे या नहीं, कमेंट करके लाजमी से बता दें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजमी से प्रेस कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।